नमस्कार, आप देख रहे जनरल न्यूज, मैं हूं दिनेश कुमार वर्मा। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश आया, फरमान जारी हुआ है कि 12 बंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है। जिलाधिकारी 12 बंकी, पुलिस अधीक्षक 12 बंकी ने अभी अभी जो है एक अधिसूचना जारी की है। समस्त जनपद वासियों से निवेदन किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूरा पूरा इस्तकबाल करें, समर्थन करें। कोई भी जो है आदमी घर से बाहर न निकले। बहुत ही जरूरी इमरजेंसी सेवा के लिए छूट दिए गए, वो भी परमिशन लेना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है कर्फ्यू का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी जनपद वासियों से अपील की गई है कि सभी लोग जो है स्वेच्छा से, जिस तरीके से आप लोगों ने, जनपद वासियों ने, देशवासियों ने भरोसा दिलाया था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योगी आदित्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरमान का, जनता कर्फ्यू में सहयोग दिया था, उसी तरीके से अब जो है आप सभी लोगों को, जनपद वासियों को सहयोग देना है लॉकडाउन का। नई लॉकडाउन सहयोग नहीं देंगे तो फिर आप लोगों को जो है कर्फ्यू का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पूरा पूरा समर्थन करें। 12 बंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 27 मार्च तक लॉकडाउन जारी हो चुका है, इसलिए सभी लोग इसका अनुपालन करें। मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा विकास यादव के साथ जेएनआई न्यूज से। हम लोगों ने अब तक, आज हमारे 18वां जिला भी लॉकडाउन हुआ है जो शामली है, लेकिन हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। और ये निर्णय हम लोगों को इसलिए लेना पड़ा है कि जिस तेजी के साथ यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, अब तक ये संख्या 34 हो चुकी है, यद्यपि 11 रिकवर भी हुए हैं, लेकिन सावधानीवश 1 लाख से अधिक की संख्या जो पिछले 10 दिनों के अंदर आई है। लोग इस बारे में ध्यान दें कि कहीं भी कहीं कोई भीड़ इकट्ठी न होने पाए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में, जनपदों में प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर संवेदनशील क्षेत्रों में वहां पर कर्फ्यू लगाने की नौबत भी आ सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में जिला प्रशासन को हम इस बात के लिए अधिकृत करेंगे कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ ये इन बातों को तय कर लेंगे कि कहां पर कर्फ्यू लगानी है, कहां पर हमें लॉकडाउन करके वहां पर ये व्यवस्थाएं देनी है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च से 27 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसकी पूर्ण तैयारी आज कर ली जाएगी और सभी नगरवासियों से ये अपील है कि वो इसको इसी प्रकार से सफल बनाएं जैसा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू आप सबके सहयोग से सफल बनाया गया था। इस दौरान जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी सप्लाई निर्बाध रूप से उपलब्ध रहेगी, उसको सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन व्यवस्था बनाएगा। पुलिस द्वारा इसको कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा, इसलिए आप कोई ऐसा मौका न दें जिसमें आपके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे एसेंशियल सर्विस देने वाले कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके आवागमन को भी निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा। इसके लिए पुलिस बल को समुचित दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। यदि किसी को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो हमारे अधिकारियों से, स्थानीय थानाध्यक्षों से संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आप सब अवगत है पूरे प्रदेश में दिनांक 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और सभी आवश्यक तैयारियां हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं। मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी जनपद वासियों से कि कृपया अनावश्यक रूप से बाहर अपने घरों से ना निकलें, केवल अपवाद स्वरूप अगर बहुत आवश्यकता हो तभी आप लोग घरों से निकलें। और विशेषकर हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारा है, वहाँ पर अनुरोध रहेगा कि वहाँ पे आप लोग ना आए। सभी लोग जो है इस समय इतनी संकट की घड़ी जो पूरे विश्व पर है, तो अपने घर में ही रह के अपने धर्म का निर्वहन करें। ये मेरी सभी से अपील होगी कि धार्मिक स्थलों पर भी आप लोग आने से बचें। साथ ही किसी भी प्रकार के समारोह पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। कोई भी अगर समारोह है, मांगलिक कार्यक्रम है, इन सब को स्थगित कर दें, क्योंकि इस समय हमारी पूरी ऊर्जा इस दिशा में होनी चाहिए किस प्रकार से हम इस कोरोना वायरस से जो जंग छिड़ी हुई है उस पर हम जीत प्राप्त कर सकें। और इसका सबसे सटीक तरीका यही है कि हम लोग
सार्वजनिक स्थलों पर ना आए, अपने घर पर ही रहें और अनावश्यक भीड़ कहीं पर भी ना बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सब अवगत हैं, आप सब ने अभी हाल में न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि पूरे प्रदेश में दिनांक 25 मार्च से लेकर दिनांक 27 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है शासन स्तर द्वारा। तो मैं जनपद बाराबंकी में सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जो कि कल से आरंभ होगा और 27 मार्च तक रहेगा, इन 3 दिनों में ये उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तर्ज पर अभी हम लोग ने बहुत ही सफलतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू किया था दिनांक 22 मार्च को। इसमें मेरी विशेष अपील ये रहेगी कि हमारी जितने आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब निर्बाध रूप से सभी को उपलब्ध रहेंगी, अतः पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन कटिबद्ध है और ये सुनिश्चित करेगा कि हर जगह पे आवश्यक वस्तुएं वो उपलब्ध रहें। तो आप लोग किसी भी दशा में पैनिक ना करें और पैनिक खरीदारी भी आज जो है वो बिल्कुल ना हो। दूसरा एक और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे प्रदेश में महाराष्ट्र से और विदेश से कई लोग आए हैं और इन सभी की स्क्रीनिंग हम लोग ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन इत्यादि पर की है। इन सब के हमारे पास डिटेल्स हैं और इन सबको ये हिदायत दी गई थी कि ये लोग अपने घर पर ही क्वारंटीन रहें अगले 14 दिन तक। क्वारंटीन का मतलब है कि वो घर पर अंदर रहें, किसी से मिले जुले ना, केवल चुनिंदा जो उनके घर के लोग हैं वो उनको खाना और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएं और वो किसी भी अवस्था में बाहर ना जाएं। खेद का विषय है कि इसमें से कुछ लोगों ने हिदायत को वो नहीं समझ रहे हैं और हमने विवश होकर 2 लोगों के विरुद्ध अब तक FIR की है, क्योंकि ना केवल वो अपने आप को, अपने घर वालों को, बल्कि पूरे समाज को, पूरे जनपद को खतरे की परिधि में ला रहे हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं और इस क्वारंटीन को तोड़ रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी ये सूचना मिलती है या आप देखते हैं कि आपके गांव में जो व्यक्ति क्वारंटीन है, जो विदेश से आया है या जो महाराष्ट्र से आया है और जिसको घर में रहने की हिदायत दी गई है, अगर उसने ये क्वारंटीन तोड़ा है, वो बाहर आता है, तो आप इसकी सूचना तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं या फिर हमारे कंट्रोल रूम नंबर जो कि 2248-49 उस पर आप इतला कर सकते हैं। तो मैं फिर से अंत में सभी जनपदवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सबकी सहयोग की हम लोग को अपेक्षा है कि ये जो कर्फ्यू तो मैं नहीं कहूँगा, ये लॉकडाउन है दिनांक 25 से लेकर 27 तक, ये जो लॉकडाउन किया गया है पूरे प्रदेश में, इसको हम लोग उतना ही सफल बनाएं जितना हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के क्रम में 22 तारीख को जनता कर्फ्यू सफल बनाया था।